So Pankhuri, tell us about the show. रज़िया सुल्तान एक शो है जो कि इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी. आज तक कभी टीवी पे बताई नहीं गई है ये स्टोरी. इट्स अ स्टोरी ऑफ द फर्स्ट वुमन, हिंदी में बोलूँगी मैं, पहली वुमन एम्परर रज़िया सुल्तान बैक इन द 13th सेंचुरी. स्टोरी इज़ बेस्ड इन 13th सेंचुरी में के टाइम की है ये, जब स्लेव डायनेस्टी थी. रज़िया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की. इल्तुतमिश और ये इल्तुतमिश एक स्लेव थे जिन जो सुल्तान बने अपनी काबिलियत की वजह से. बट रज़िया की नानी जो हैं उनके हस्बैंड थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया. सो फैमिली का लीनेज वो है. एंड हमारी स्टोरी जो हम जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली रज़िया की जर्नी फ्रॉम अ प्रिंसेस, सिर्फ एक शहजादी से एक सुल्तान तक. ओके. तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है बिकॉज उस एरा में औरतों को पर्दे के पीछे रहना पड़ता था. औरतों को अलाउड नहीं था बाहर आना और खुलेआम, मतलब औरतों को सुल्ताना बुलाया जाता था. उनको सुल्तान का टाइटल नहीं मिलता. सुल्ताना मीन्स समडीज वाइफ, सुल्तान्स वाइफ. ओके. तो इस जर्नी में हम ये दिखाएंगे कि कैसी रज़िया एक ऐसी लड़की थी जो उसमें इतनी काबिलियत थी कि उसके अब्बू ने उसके 3 भाइयों को छोड़ के उसको रूलर बनाना मुनासिब समझा. तो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज अबाउट एंड आप देखेंगे कैसे अनफोल्ड होती है. सो ऑल यू व्यूअर्स, यू ऑल नो दैट शी नोज़ हर हिस्ट्री प्रॉपर्ली. सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, like the character, as many people ask you during the interviews as well, like Razia Sultana the movie, so many people like tend to go back to that movie and compare. So like how much are you bogged down by those like comparisons? Do you think that actually that affects yours? I'm not bogged down at all. In fact I feel nice actually. Okay. Because see it's ये तो human tendency है कि अगर कुछ बन चुका है तो उससे उसको relate करेंगे ही करेंगे. दो चीज़ों को compare करते हैं, दो cousins को compare करा ही जाता है. So उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. एंड आई विल ओनली फील प्राउड बिकॉज रज़िया सुल्तान जैसा कैरेक्टर हेमा मालिनी जी ने निभाया था. एंड अगर मुझे वो चांस मिल रहा है सो अर्ली इन माई करियर, तो आई विल डेफिनेटली नॉट बी बॉक डाउन. आई एड रादर टेक इट अप एज समथिंग कि मैं ऑडियंसेस के दिमाग में एक नई रज़िया की छाप छोड़ूँ. सो इट्स ओनली इट्स गुड फॉर मी एक्चुअली. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट द शो इटसेल्फ, लाइक इन द प्रेजेंट डेज देयर हैव बीन लॉट ऑफ एपिक शोज दैट हैव कम अप, लाइक महाभारत इज देयर, सम्राट अशोक इज देयर, मेनी अदर्स अदर. आपको कैसा लगता है कि हाउ विल दिस शो स्टैंड आउट एंड बी डिफरेंट? सी राइटली सेड, historical shows are trending these days. There's Ashok, Jhansi Ki Rani earlier, Samrat Ashok, whatever, Mahakumbh and all these shows that are coming up. So, रज़िया सुल्तान की देखिए सारी स्टोरीज़, फिर भी हमने रज़िया सुल्तान की स्टोरी से बहुत ज़्यादा सुनी हुई है. अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को पूछेंगे कि रज़िया सुल्तान कौन थी, बहुत कम लोगों को पता है ना. तो ये एक एंडेवर है और एक ये ऐसा थॉट है जो पहले कभी बताया नहीं गया है. Okay. ना जैसे महाभारत आपने पहले भी देखा होगा, रामायण आपने पहले भी देखा होगा, ऑल्दो दैट इज़ इन द माइथो कैटेगरी. बट झांसी की रानी के बारे में सबने सुना है बिकॉज हिस्ट्री में चर्चे ही चर्चे हैं. बट ये एक अनटोल्ड स्टोरी है रज़िया सुल्तान की. एंड ये एक इतनी हीरोइक स्टोरी है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडियंसेस टू नो. सो उस तरीके से आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी ऑलरेडी नोज, तो वो और ज़्यादा जागरूक हो इसको, आई मीन इंटरेस्टेड होंगे इसको जानने के लिए. हाँ. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट द लिंगो दैट यू आर यूजिंग इन द फिल्म, प्रॉपर हिंदी है एंड उर्दू भी यूज हुई है, तो कितने टाइम रीटेक्स होते थे आपके सेट? रीटेक्स देखिए हिंदी और उर्दू की वजह से तो कम हुए हैं. उस फील को पकड़ने के लिए फिर भी हुए होंगे बिकॉज मैं लखनऊ से हूँ तो हिंदी इतनी बुरी नहीं है मेरी, एक्चुअली अच्छी है काफ़ी. एंड ठीक है, उर्दू इज़ नॉट माय मदर टंग और एनीथिंग, बट ठीक है उर्दू के नुक्ता लगता है कई कई जगह पे वो लगा देते हैं हम. Okay. तो हो जाता है, जहाँ नहीं लगता है वहाँ पर डायरेक्टर लगवा देते हैं. वहाँ पर डायरेक्टर लगवा देते हैं. आजकल अननेसेसरीली भी नुक्ते लगाने लग गए हैं लाइफ में. ठीक है, ग्लास दे दीजिए लाइक दैट. यू आर टेलिंग अबाउट योर हिंदी. हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा हिंदी मदर टंग है मेरी, लखनऊ से हूँ तो हिंदी अच्छी है मेरी, बुरी नहीं है. एंड उर्दू यस थोड़ा चैलेंज है, कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं उर्दू के जहाँ पे नुक्ते लगाने पड़ते हैं. एंड जैसा कि मैंने कहा वो लगाते हैं, हम सीख रहे हैं ऑन द सेट काफ़ी. अगर हमारे डायरेक्टर को लगता है कि नहीं वो सही से लहजा नहीं आया है बोलने का, तो वो डेफिनेटली बोलवाते हैं. एंड अमंग द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, अमंग द टू ऑफ देम, हु डू यू मोर कनेक्ट टू, लाइक किसके पास आप प्रॉब्लम्स लेकर जाते हो? See, I'd like to say that
ये तो आपने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, मुझे मैं समझ रही हूँ आपकी बात सारी की सारी, पर आंसर भी मैं आपको बताती हूँ. जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो सिद्धार्थ सर ने लिटरली ही सैट ऑन द सेट्स विद अस. यूजुअली ओनली द डायरेक्टर इज देयर, है ना, बट सिद्धार्थ सर लिटरली सैट देयर, हेल्प्ड अस आउट विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर, है ना, एंड मतलब कि कैसे उसको बोलना है, क्या फील है, बिकॉज ही वॉज सेटिंग द शो फॉर अस, कि वो फील सेट कर रहे थे कि मतलब, एंड दैट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो बता दें कि नहीं नहीं यहाँ से एक और बार करो तो देखोगी तुम, अच्छा आएगा. सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. जैसे आजकल मुकेश सर डायरेक्ट करते हैं, हसनैन सर भी डायरेक्ट करते हैं, तो आई मीन ऑब्वियसली अब सिद्धार्थ सर नहीं है सेट पे, बट सिद्धार्थ सर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड अब वो आगे मुकेश सर कायम कर रहे हैं. जो उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो आई गो टू मुकेश सर कि सर ये ऐसे करना है या वैसे करना है. सो या, एंड टेल अस मोर अबाउट पंखुरी अवस्थी, लाइक पीपल वांट टू नो. ओके, पंखुरी अवस्थी है लखनऊ की, एंड मैं पढ़ी हूँ, मेरे फादर प्राइवेट सर्विस में थे, तो मैंने पढ़ाई की है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, एंड प्राइमरी कॉलेज दिल्ली का है मेरा, हिंदू कॉलेज से हूँ मैं, इंग्लिश ऑनर्स किया था मैंने, और उसके बाद प्लेसमेंट हो गया मेरा ITC में एज असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग किया मैंने 2 साल के लिए बैंगलोर में, और एक्टिंग हमेशा से करना चाहती थी, बहुत थिएटर किया लाइफ में मैंने, एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. As soon as I got it, I took the plunge. So how did you get this? How did you get? So I had done an episodic with BBC. Okay. ये है आशिकी करके एक एपिसोडिक किया था, वहाँ से स्वास्थ्य की कास्टिंग टीम ने मुझे देखा एंड उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने बैंगलोर में मुझे बोला कि आप ऑडिशन करके भेजिए अपना. उनको ऑडिशन पसंद आया, तो उन्होंने 3-4 बार मैं बॉम्बे आई ऑडिशन करने के लिए, और अलग अलग टाइप के डायलॉग्स. उसके बाद थर्ड टाइम के गैप के बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, फना कर रही थी मैं MTV के लिए, एंड उसके बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, फिर इनका फिर से फ़ोन आया कि हमारा प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया था, अब हमने फिर से स्टार्ट किया है, तो वो डिस्कशन करते करते और ऑडिशन देते देते फाइनली. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल लेडी कैरेक्टर्स शोज पे, मूवीज पे, देयर हैव बीन हेमा मालिनी दैट वी टॉक्ड अबाउट, देन ऐश्वर्या राय है, देन अदर पीपल, ऐसी कोई कैरेक्टर है या ऐसी कोई एक्ट्रेस है टू हूम यू लुक अप टू? In terms of historical shows only, see, look up to is a definitely, I look up to all the actors, and I believe ki har actor ka apna ek alag style hota hai, like on set also, like Seema ji hain, Sambhavna ji hain, sab hain, sab ka apna ek alag style, and there is so much that you can learn from all of these. So I don't believe in one particular person jisko I look up to everybody who gives a nice performance and which appeals to me. So jitni bhi, jaise Jodha Agar mein कितनी सिंपलिसिटी से ऐश्वर्या राय ने वो सारा किया था, उतनी डिफ़िकल्टी से जो अल्फाज थे रज़िया सुल्तान के, हेमा मालिनी के, कितनी आसानी से उन्होंने वो बोल दिए, और जो वो काम था उस मूवी का, कि उन्होंने मुझे से गाना सुना होगा ए दिले नादान, तो सो डेफिनेटली दैट्स व्हाट, हर से कुछ ना कुछ उठा के. एंड टॉकिंग अबाउट द स्वॉर्ड फाइट दैट यू सेड, सो स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए आपने कुछ क्लासेस यू लर्न समवेयर? एक्शन मास्टर थे सेट पे, उन्होंने हमें सिखाया था जितना भी, थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा नहीं सीखा है मैंने, पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई थी मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट द शो इटसेल्फ, एज बिकॉज द शो इज लाइक द जर्नी टू बिकमिंग रज़िया सुल्तान, सो विल इट बी लाइक द स्टोरी बिफोर शी बिकम्स द क्वीन और आफ्टर दैट? This is her transition. This is the story of her becoming a queen. Okay. Not a queen, king, okay. Actually, king. Sultan. Yeah. So, जैसे कि ये transition story cover करेगी उसकी age from 19 years old to when she becomes a sultan till the end, obviously. तो कि वो कैसे शहजादी थी, क्या करती थी, कैसी कैसी चीज़ें हुई उसकी life में जिन्होंने उसको सुल्तान बना दिया. Okay. Thank you, Pankhuri. That was wonderful talking to you. मैं सभी व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लीज़ रज़िया सुल्तान को देखें, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड TV पे सोमवार से शुक्रवार शाम को 7:30 बजे. प्लीज़ देखना ना भूलें. मैं हूँ पंखुरी अवस्थी एंड आई एम प्लेइंग रज़िया. प्लीज़ 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 हमारा शो देखें. आई एम श्योर कि आप सबको बहुत पसंद आएगा. थैंक यू.